लो जी, आप और हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले 7 महीनों में कोरोना काल में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस की जा रही थी, वही अब एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवाह शादी में बजने वाले बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की। कोरोना काल के बीच एक बार फिर से बैंड बाजा और बारात का सिलसिला शुरू हो गया है। कल शाम को यहाँ की जैन धर्मशाला में शहर के प्रतिष्ठित वधवा परिवार के बेटे की शादी का समारोह था। इस समारोह की खुशी में बाकायदा बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई गई, जिसे देख सुनकर शहरवासी भी हर्षित हो उठे। कोरोना काल के बीच एलनाबाद में यह शायद पहला अवसर है जब किसी विवाह समारोह में बैंड बाजे और ढोल नगाड़े बजे हैं। इस मधुर आवाज को सुनने के लिए लोगों के कान तरस गए थे, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब यह सिलसिला फिर से शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, ये बात सही है कि शादी समारोह केवल दो परिवारों का मिलन ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों जैसे टेंट वाले, ढोल नगाड़े वाले, बैंड बाजा वाले, बिजली वाले, साउंड वाले, लाइट वाले, फूल वाले, वेटर, कैटरर, हलवाई, फोटो स्टूडियो वाले और न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। कोरोना के चलते विवाह समारोह पर रोक लगने से इन लोगों के सामने भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था, लेकिन अब ये एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो जाने से इन लोगों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है। आज जो हम शादी में आए हुए हैं, तो काफ़ी टाइम से कोरोना की जो महामारी थी उसके बाद फर्स्ट टाइम हमने ये बारात अटेंड की है और बहुत अच्छा लगा कि किसी के घर में इतने टाइम के बाद ये खुशी आई। और जो ये बैंड के मजदूर हैं, कारीगर लोग हैं, इन्होंने यहाँ के बैंड बजाया और काफ़ी टाइम के बाद ये जो पैसे हैं इनके घरों में जाएंगे और इनको बहुत, इनके परिवार को भी खुशी होगी। और जो हम दुकानदार हैं, बैंड के संचालक हैं, मालिक हैं, उनको भी काफ़ी समय से ये काम मिला है तो बहुत खुशी हुई। और आगे यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये महामारी ख़त्म हो और हर घर में ये खुशी आए और ये बैंड वाले हर घर में, घर घर में दिखें। 17 तारीख पहले नवरात्रे को एलनाबाद के अंदर कोरोना काल के बाद पहली शहनाई जो है, यहाँ मेरे कज़न ब्रदर मोहित कुमार वधवा, श्री सन ऑफ श्री हनुमान दास जी वधवा, ये शादी जो संगरिया तय की गई थी कोरोना काल से पहले, तो आज ईश्वर की कृपा से पहली शहनाई का जो एलनाबाद के अंदर पूरा कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंसिस बनाते हुए केवल परिवार परिवार का जो हमारा प्रोग्राम है आज किया जा रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भी सब कुछ, हर बंदे का जो व्यापार था इस मैरिज प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ वो चले, ताकि सबका रोज़गार द्वारा चालू हो। शादी एक किसी घर के अंदर ये नहीं है, अभी दो परिवारों का मिलन है, उसके साथ बहुत से रोज़गार, परिवार पलते हैं, सब कुछ चलता है, बहुत से परिवारों को उससे अपने जीवन यापन करने का, अपना व्यापार चलाने का मौका मिलता है। तो वो मौका अब दोबारा एलनाबाद के अंदर पहला प्रोग्राम हमने जो किया है, पूरे कानूनी पहलुओं की ध्यान में रखते हुए, तो कल 18 तारीख को मैरिज है जो संगरिया जाके करेंगे, तो वहाँ भी हमने पूरे कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए सिर्फ जो कानून द्वारा तय की गई सीमा है उतने बंदों के साथ प्रोग्राम करेंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब सुख शांति से हो जाए, सबके घर सबसे, सबके घर सबसे शहनाई बजे। धन्यवाद दोस्तों। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी हमने जोश में आकर होश नहीं खोना है। कोरोना की अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, इसके बचाव में ही इसका इलाज है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप अपनी खुशियां और त्यौहार धूमधाम से मनाइए, लेकिन सावधानी के साथ।
आप सबसे निवेदन है कि घर से बाहर जाते समय अपने मुंह और नाक को मास्क से अच्छी तरह से ढकें, घर से बाहर किसी भी चीज़ को न छुएं, अपने हाथों को बार बार कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ न करें और आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। हमेशा याद रखें कि कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।